हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस स्टोरी टॉपर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस। क्या है हम लोग का सब्जेक्ट? क्या है? सोशल साइंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको एक क्वेश्चन कहाँ से लिया? क्वेश्चन बैंक से लिया गया, जो आपका 2023 का जो एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम है ना, उसके लिए ना जो भी क्वेश्चन आने वाला वही क्वेश्चन आपको लिया गया है, लिया गया है सोशल साइंस और क्वेश्चन बैंक से लिया गया है आपका। तो जो भी क्वेश्चन बताएंगे ना आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम वीवीआई आपका क्वेश्चन जो टकराने का एकदम 100% चांस होगा। कह देखिए आपका जो भी क्वेश्चन बैंक होता है ना, क्वेश्चन बैंक से आपका ऑब्जेक्टिव कहाँ 80% आपको क्वेश्चन में, 80-70% तो है कि आपका क्वेश्चन बैंक से आपका ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। बच गया 20%, आपको 20% इधर किताब से पूछा गया, गाइड से, इससे तैयारी आपका हो जाएगा। तो 80% आपको इससे तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा आपको ना हम लास्ट में होगा उसको दे दिया जाएगा, एमबीडी गाइड हो या बुक से जो भी क्वेश्चन है उससे मिल जाएगा आपको। तो ये आपको ना 80% टारगेट एकदम कर जाएगा, क्वेश्चन बैंक से 80%, 85% आपको क्वेश्चन बैंक से ही ऑब्जेक्टिव उठता है, देख लीजिए कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा करके। तो चलिए आज हम लोग का क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है क्या बोला, क्या जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, मतलब जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। पहला आपका ए है ग्राम, बी है कस्बा, सी है नगर, डी है महानगर। तो मतलब कहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक लोग रहते हैं, जहाँ अधिक कहाँ होता है, मतलब जनसंख्या अधिक कहाँ होता है। तो ग्राम मतलब गांव में होता है, या कस्बा में होता है, या नगर में होता है, या महानगर। देखिए सबसे ज्यादा संख्या कहाँ होता है, नगर अति महानगर में, कहाँ होता है, महानगर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरा है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं, मतलब गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में। तो ए हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र में, बी पश्चिमी क्षेत्र में, सी हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र में, डी दक्षिण क्षेत्र में। तो आपको गिरमिटिया मजदूर बिहार के ना किस क्षेत्र में भेजा जाता है, तो पश्चिमी क्षेत्र में, किसमें। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। सन डैश में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था, तो 1926 ईस्वी में ना मजदूर नियम पारित हुआ था। हंगरी की राजधानी का डैश है, मतलब हंगरी की राजधानी डैश है, तो बुडापेस्ट क्या हो जाएगा, बुडापेस्ट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको रिपीट करता है, बुडापेस्ट क्या हो जाएगा, बुडापेस्ट। काली काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है, तो हो जाएगा बलुई मुद्रा, रेगुर मुद्रा, लाल मुद्रा, पर्वतीय मुद्रा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, रेगुर मुद्रा, क्या हो जाएगा, रेगुर मुद्रा। काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मुद्रा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में, पटना में। तो आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, आपका पटना में, कहाँ हो जाएगा, पटना में स्थित है। गुजरात के डैश में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर क्या जाएगा, भुज में, कहाँ पर, भुज में। बिहार का सबसे बड़ा नगर डैश है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर, आपका राजधानी क्या पड़ता है, आपका जो बिहार का राजधानी पटना है, तो पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, पटना है। तल ची की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को डैश ऊंचाई कहता है, तो तल तल ची की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को डैश ऊंचाई कहता है, क्या स्थानीय कहा जाता है, आपका आंसर क्या जाएगा, स्थानीय। अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद को विरोध नहीं थे, मतलब निम्नलिखित व्यक्तियों में ना कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोध में नहीं थे। तो बोला है मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोमी स्मिथ एवं जॉन कॉलोस, जेडी गुडी, क्या जाएगा, जेडी। तो आपका आंसर क्या जाएगा, जेडी गुडी, डी नंबर, क्या जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, जेडी गुडी हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण है, मतलब संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई ना। तो देखिए संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है आपका, संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो अमेरिका। कौन बीमारू राज्य नहीं है, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो देखिए इसमें ना सब पूछ रहा है कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो आपका कर्नाटक हो जाएगा कि आपका बीमारू राज्य नहीं है, ये सभी क्या है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा क्या है, बीमारू राज्य है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 17 मार्च, ए क्या जाएगा 17 मार्च, बी हो जाएगा 15 मार्च, सी 19 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। आपका आंसर बी हो जाएगा, क्या जाएगा, बी 15 मार्च, क्या जाएगा, 15 मार्च हो जाएगा। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं, बोला है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो क्या जाएगा, आपका बोला है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं, तो क्या जाएगा, आतंकवाद, सी हो जाएगा, क्या जाएगा, सी। देखिए प्राकृतिक मतलब जो भगवान का देन नहीं है, तो देखिए सुनामी क्या होता है, एक प्राकृतिक आपदा, मतलब अपने आप किसी आदमी के द्वारा नहीं किया गया है, बाढ़ भी
प्राकृति होता है, भूकंप भी प्राकृति, लेकिन आतंकवाद किसी व्यक्ति द्वारा किया गया घटना होता है ना, तो इसलिए क्या जाएगा, सी हो जाएगा आतंकवाद। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो अब क्या हो जाएगा, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण। तो आपका आंसर क्या, जल के अभाव में, कहा जाता है ए हो जाएगा, क्या आपका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लास सुनना, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थर्ड ने, बिस्मार्क ने, किसने किया था, आपका आंसर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने, आपका आंसर क्या बी हो जाएगा, क्या बी हो जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में, रंपा विद्रोह 1916 में, आंसर क्या जाएगा ए। रूसी क्रांति के समय शासक द्वितीय, आंसर क्या रूसी क्रांति के समय शासक कौन था, जार निकोलस द्वितीय, क्या जाएगा, जार निकोलस द्वितीय। बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था, तो क्या जाएगा आपका उत्तर, एनी बेसेंट, क्या जाएगा, एनी बेसेंट। इसको देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो आपका हो जाएगा ए महात्मा गांधी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू, डी हो जाएगा स्वामी का विवेकानंद। तो देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था, क्या कहा था, पंडित नेहरू, तो आपका आंसर क्या था, सी पंडित नेहरू, आंसर क्या आपका सी हो जाएगा। कावर झील किस जिला में स्थित है, मतलब कावर झील किस जिला में स्थित है, कावर झील किस जिला में स्थित है, तो ए दरभंगा जिला में, बी भागलपुर जिला में, सी हो जाएगा आपका बेगूसराय जिला में, और डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला। तो कावर झील कहाँ स्थित है, बेगूसराय में, कौन जिला में, तो बेगूसराय जिला में, तो आपका आंसर क्या सी हो जाएगा, क्या जाएगा सी। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास डैश ने किया था, तो हेलमान ने, किसने कहा, हेलमान ने, किसने कहा, हेलमान ने। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला डैश जिला है, तो क्या आपका पटना जाएगा, बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो पटना। लौह एक्स का उपयोग डैश उद्योग में किया जाता है, तो इस्पात में, किसमें किया जाता है, इस्पात में। क्या है अगला है 25, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु, लॉर्ड ब्राइस, तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन या कथन, अब्राहम लिंकन, किसने कहा था, अब्राहम, तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, क्या जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ए हो जाएगा मोरारजी देसाई, बी हो जाएगा नीतीश कुमार, सी हो जाएगा इंदिरा गांधी, डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या डी हो जाएगा, क्या जाएगा डी हो जाएगा, क्या जाएगा आपका डी हो जाएगा। सन क्या है, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी, तो बोला है कि 22,533 रुपया, 25,494 रुपया, 6,610 रुपया, 54,850 रुपया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25,454 रुपये, बी हो जाएगा, क्या जाएगा बी, मतलब सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति कितना थी, 25,494 रुपया हो जाएगा। निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब अगला 28 नंबर, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तब बोला कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ए हो जाएगा अमेरिका, बी हो जाएगा चीन, सी हो जाएगा आपका भारत, डी होगा इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या जाएगा सी हो जाएगा, भारत, क्या जाएगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित है, तो आपका आंसर क्या जाएगा सी हो जाएगा, क्या जाएगा सी। अगला 29, नदियों के बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल पहला क्या है, ए क्या है जल की अधिकता, बी हो जाएगा नदी की तली में अस्वाद का जमाव, सी वर्षा से अधिकता, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा जल की अधिकता, क्या हो जाएगा जल की अधिकता का नदियों में क्या होता है, बाढ़ आने के प्रमुख कारण होते हैं, तो ए हो जाएगा, क्या जाएगा आपका आंसर, क्या जाएगा ए। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां उसी कथित जहां है उसी स्थान पर, खेतों में, तो बाढ़ के समय लोगों का
लोगों को निम्न से किस स्थान पर जाते हैं? देखिए बाढ़ के समय लोग कहाँ जाने, ऊंची स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर। आंसर क्या है? ए नंबर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। चलिए आज हम लोग 30 क्वेश्चन कितना देखे हैं, 30 क्वेश्चन। अगला जो पार्ट है उसमें और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला में थोड़ा बढ़ा कर देखेंगे, क्या है 40-50 क्वेश्चन, मतलब एक दो तीन वीडियो में आपका ना क्या सोशल साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर दिया जाएगा। मतलब आपको 80% जो क्वेश्चन आने वाला है ना ऑब्जेक्टिव, आपको खत्म कर दिया जाएगा। बचा 20% उसको भी आपको खत्म कर दिया जाएगा लास्ट के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ क्या कहें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्या है कि शेयर जितना कीजिए अब दोस्तों का अगर छूटा उठा हुआ है ना तो उसका एग्जाम का अच्छा तैयारी आपको इस वीडियो से हो जाएगा। क्या है कि अब हम लोग का टारगेट क्या है, 450+ अंक लाना है हर विद्यार्थी को, जो भी है ऑनलाइन के बात कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी है सभी को आ जाए। इस बार बहुत हल्का एग्जाम होने वाला, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको उसी से पूछने वाला, तो कहे ना आप खाली इसको ना एक वीडियो को देखिए, इसको लिखना होगा नहीं, आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आप फिर याद कर लीजिए, फिर आप इसको ना एक बार और देख लीजिएगा, जब लगे कि आप भूलने लगे तो इसको एक बार और देख लीजिएगा, तो कभी ना आप इसको भूलिएगा। मतलब एक बार एग्जाम से पहले जाने से पहले आप वीडियो कर देते, एग्जाम से पहले हम आपको रिवीजन करा देते, एकदम पूरा सोशल साइंस का सभी का रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम से पहले ना आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या पर्सनल सभी एकदम रिवीजन हो जाएगा आपका। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।